नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे हमेशा यह सुनिश्चित करने के तरीकों के बारे में पूछने वाले दर्शकों से कई प्रश्न मिलते हैं कि बच्चा किस लिंग का है। एक स्वस्थ बच्चा होने के लिए लड़का या लड़की रखना महत्वपूर्ण नहीं होता है। पुरुष बच्चे के लिंग को प्रभावित करते हैं, न कि महिलाएँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू कंसीव ए बेबी बॉय। तो दोस्तों, इसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। पुरुष बच्चे के लिंग को प्रभावित करते हैं, ना कि महिलाएं हैं, लेकिन हमेशा जिम्मेदार महिला को समझा जाता है, तो ये मिथ है, ऐसा ना करें। पुरुष बच्चे के लिंग को प्रभावित करते हैं, ना कि महिलाएँ। पुरुष शुक्राणु प्रदान करते हैं जिसमें या तो एक्स लड़की या वाई लड़का जुड़ा हुआ लिंग गुणसूत्र होता है। यह एक कल्पना है कि एक पुरुष अंडकोश लड़की शुक्राणु, दूसरा लड़के शुक्राणु का उत्पादन करता है, लेकिन यह सिर्फ एक गलत विश्वास है। दोनों पुरुष अंडकोश एक्स और वाई शुक्राणु की बराबर संख्या उत्पन्न करते हैं और यह अनैच्छिक मौका है जो अंडे को निषेचित करता है। कुछ पुरुष बेहतर गुणवत्ता वाले एक्स या वाई शुक्राणु का उत्पादन करते हैं, जो इस कारण से हो सकते हैं कि विशेष परिवारों की बड़ी संख्या में लड़कियां या लड़के हैं। तो एक्स शुक्राणु नर वाई शुक्राणु से अधिक लचीला माना जाता है और वाई शुक्राणु से अधिक जीवित रहता है। वाई शुक्राणु एक्स शुक्राणु की तुलना में तेजी से चलता है। एक्स शुक्राणु धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखता है और इस प्रकार लंबे समय तक जीवित रहता है। गर्भवती होने की संभावना को बढ़ाने के लिए हमेशा सलाह दी जाती है कि महिला के डिम्बोत्सर्जन यानी ओवुलेशन के समय के दौरान संभोग करें। डिम्बोत्सर्जन ओवुलेशन प्रक्रिया का नाम होता है जो आमतौर पर प्रत्येक मासिक धर्म चक्र में होती है। जब हार्मोन एक अंडे को मुक्त करने के लिए अंडाशय को उत्प्रेरित करता है, यदि शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो आप तभी गर्भवती हो सकती हैं। ओवुलेशन आमतौर पर आपकी अगली अवधि शुरू होने से 12 से 16 दिन पहले होता है, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है? कई महिलाएं अपने पेल्विक में एक साइड में दर्द महसूस करती हैं जो उनके मासिक चक्र के बीच होता है। गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विस में परिवर्तन, उपजाऊ श्लेष्म, स्पष्ट पानीदार और खींची हुई सी कोशिकाएं फैलोपियन ट्यूबों की ओर गर्भाशय के माध्यम से ऊपर शुक्राणु की चिकने मार्ग की प्रोत्साहित करने के लिए बदलती हैं। उपजाऊ श्लैष्मिक गैर उपजाऊ श्लैष्मिक की तुलना में कम अम्लीय और यह पर्यावरणीय शुक्राणु को मारने के बजाय शुक्राणु का पक्ष लेती हैं। कुछ व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ओवुलेशन किट भी आपको बाजार में मिलती हैं। ओवुलेशन में होने वाले हार्मोन परिवर्तन का पता लगाने के लिए विशेष रूप से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में वृद्धि होती है, तो इस किट के द्वारा भी आप ओवुलेशन का पता कर सकते हैं। एक माध्यम इसका सोनोग्राफी है। सोनोग्राफी में भी ओवुलेशन का पता किया जा सकता है। जिन महिलाओं में ओवुलेशन हो रहा है उनके सबसे उपजाऊ वे अक्सर अपने कामेच्छा में वृद्धि का अनुभव करती हैं। आपके बुनियादी शरीर वेसल बॉडी तापमान में वृद्धि हो जाती है। यह सबसे कम तापमान है जो आपके शरीर द्वारा
आराम और नींद के दौरान प्राप्त होता है। ओवुलेशन होने से ठीक पहले आपके शरीर का टेम्परेचर कुछ डिग्री बढ़ जाता है। किसी भी तरह से यह स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने में मदद करता है और एक स्वस्थ बच्चे को गर्भधारण करने और जन्म देने की कोशिश करता है। इस टाइम जब आपका ओवुलेशन हो रहा है, सही टाइम पर अगर आप जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं तो लड़का होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, आप अपने बाई स्पर्म को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, उसके लिए आप कुछ मेडिसिन ले सकते हैं। खाने पीने का बहुत अच्छा ख्याल रखें। आप जो है खाने में ज़्यादातर सब्जियां, फ्रूट्स शामिल करें। और दोस्तों, कुछ इसके लिए जो है विटामिन्स भी आते हैं, कुछ मेडिसिन्स भी आते हैं। अगर आप जो है फिजिकली वीक हैं और जो है आपका सेक्स स्टेमिना भी वीक है और आपका जो है टाइम भी प्रॉपर नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको एक दवा बताता हूँ, फ्लाई ईएक्स गोल्ड, जिससे जो है बहुत जल्दी आपकी जो है स्पर्म क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ती है तथा सेक्स स्टेमिना भी बढ़ता है। तो दोस्तों, फ्लाई ईएक्स गोल्ड आप जो है एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को 100 दिन तक आपको ये कैप्सूल लेना है। इससे आपके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी और सेक्सुअल स्टेमिना भी इंप्रूव होगा। तो दोस्तों, इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।